गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको रचना रसून का लेसन 18, जिसका नाम है कहानी लेखन, को पढ़ाऊंगी। आओ बच्चों, अब हम सीखते हैं कि कहानी किस प्रकार से लिखते हैं। कहानी लेखन भी एक कला है। कहानी लेखन। कहानी शब्द सुनते ही आपकी आंखों में चमक आ जाती है। दादी नानी के मुख से सुनी कहानियाँ जब आप टीवी पर देखते हैं तो आपको पूरी कहानी याद आ जाती है। जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में सुनी हुई कहानी कभी नहीं भूलती। कहानी सुनना व सुनाना तो कला है ही, परंतु लिखना भी एक कला है। बच्चों, आप भी रोचक शैली में कहानी लिख सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। कहानी रोचक व सरल हो। कहानी की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई उसको पढ़े तो उसे लास्ट तक, अंत तक उसे पढ़ता ही रहे। कहानी की रूपरेखा पहले ही बना ली जाए। हमें पहले ही ध्यान रखना है कहानी में जिन घटनाओं को और प्रसंगों को हमें लिखना है उन्हें हमें संतुलित विस्तार देना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। कहानी की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन करना चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई है, हम इन्हें पढ़कर और समझकर इन्हीं की भांति अन्य कहानियाँ स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है जो डर गया वो मर गया। किसी जंगल में बहुत से गधे रहते थे, वहीं एक लोमड़ी भी थी। प्राय गधों के कारण लोमड़ी भूखी रह जाती। गधों की ढेंचू ढेंचू से सभी जानवर सावधान हो जाते और लोमड़ी शिकार नहीं कर पाती थी। एक दिन लोमड़ी ने गधों को जंगल से भगाने की योजना बनाई। वह गधों से जाकर बोली, मुझे मेरे खास जानवरों ने सूचना दी है कि जल्दी ही मछलियों की सेना तुम पर हमला करने वाली है। गधे भी पूरे डरपोक और मूर्ख निकले। बात की तह में जाए बिना ही वे सिर पर पांव रखकर भागे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि मछलियां तो पानी से बाहर आते ही मर जाती हैं, फिर वे हमला कैसे कर सकती हैं। भागते भागते वे सब एक गांव में पहुंचे। वहां रहने वाले धोबियों ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। धोबियों ने गधों को खूंटे से बांधकर कहा, अब तुम आराम से रहो, मछलियां तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगी। वो दिन और आज का दिन डरपोक गधे आज भी धोबियों की गुलामी कर रहे हैं। बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से
यह शिक्षा मिलती है बिना विचारे काम करने पर पछताना ही पड़ता है, जैसे गधों ने बिना सोचे समझे ही अपने स्थान से भाग निकले थे और धोबियों के यहाँ आ गए थे, धोबियों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। इसलिए बच्चों, हमें कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए। जिसका काम उसी को साजे। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और कुत्ता पाल रखा था। गधे पर वह कपड़े लादकर घाट पर ले जाता था। कुत्ता घर की रखवाली करता था। एक रात धोबी के घर में एक चोर घुस आया। कुत्ते ने उसे देख लिया, फिर भी चुपचाप पड़ा रहा। गधा कुत्ते पर बहुत बिगड़ा और बोला, हमारा स्वामी तुम्हारा इतना ध्यान रखता है। फिर भी तुम चोर को देखकर भौंक नहीं रहे हो, तुम कैसे स्वामी भक्त हो? कुत्ता बोला, स्वामी मेरा क्या ध्यान रखता है, बस बची हुई झूठन खाने को देता है। इसके अलावा वह मुझे क्या 56 भोग खिला देता है। गधे ने कहा, जो भी हो, मैं यह नहीं देख सकता कि चोर मेरे होते हुए स्वामी का माल लूट ले जाए। मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यह कहता हुआ गधा ढेंचू ढेंचू करके जोर जोर से रेंकने लगा। गधे का रेंकना सुनकर चोर तो भाग गया, किंतु धोबी की नींद खुल गई। आराम में विघ्न पड़ने पर वह गधे पर क्रोधित हुआ। उसने डंडा लेकर गधे को खूब पीटा। धोबी के जाने के बाद कुत्ता बोला, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। शिक्षा। बच्चों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने कर्तव्य से अलग कार्य करना कभी कभी कष्टदायी होता है। अपने कर्तव्य से अलग कार्य करना कभी कभी कष्टदायी होता है। समझदार गीदड़। एक शेर अपनी गुफा के सामने लेटा हुआ था। वह बूढ़ा और कमजोर था। अब शिकार करना उसके बस की बात नहीं थी। तभी घूमता हुआ एक गीदड़ वहां आया। उसे देखकर शेर ने कहा, मित्र यहाँ आओ, मैं यहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। तुमसे बातें करके मेरा मन बहल जाएगा। यह सुनकर गीदड़ ने कहा, मैं यह समझता हूँ कि यह मुलाकात मेरे लिए लाभदायक नहीं होगी। इस पर शेर ने कहा, अरे भाई, मैं इतना बूढ़ा और कमजोर हूँ कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। देखो कितने मिलने वाले मुझसे आए हैं, तुम उन पर सभी के पैरों के यहाँ निशान देख सकते हो। तब गीदड़ ने कहा, जी हाँ, मैं गुफा को जाते हुए अनेक पैरों के चिन्ह देख रहा हूँ, किंतु बाहर आते हुए कोई चिन्ह नहीं देख रहा हूँ। यह कहकर वह गीदड़ दूर भाग गया। अपनी बुद्धिमत्ता से गीदड़ ने अपनी
जान बचाई। शिक्षा, कभी भी दुष्ट प्राणियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी दुष्ट प्राणियों की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए।